बेस्ट लैपटॉप एट 35,000 रुपीज़। गाइस आज से 4-5 महीने पहले तक हम जो सारे प्रोसेसर 40,000 के प्राइस पॉइंट पे रेकमेंड करते थे, वही प्रोसेसर अभी 35,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलने लग गए। इवन 32,000 में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स आ गए जो 40,000 के प्राइस पॉइंट पे आज भी हम रेकमेंड करते हैं। सो जिन्हें भी लैपटॉप खरीदना है, 35,000 रुपीज़ बजट है, तो 4-5 बेस्ट ऑप्शंस बताता हूँ आपको। इनमें से कोई भी खरीद सकते हो, फिर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हाउस होल्ड यूज के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो, सारे प्रोफेशंस के लिए वेल सूटेड होंगे ये लैपटॉप। और जैसे एक एक लैपटॉप की बातें करेंगे तब बताने की कोशिश करूंगा कि ये लैपटॉप किन प्रोफेशन के लिए वेल सूटेड होगा। सो अभी ज्यादा देर ना करते सीधे चलते पहले लैपटॉप की ओर। गाइस लिस्ट का जो पहला लैपटॉप है काफी इंटरेस्टिंग है, अंडर 35,000 ये आसानी से मिल जाता है। इसका नाम है Acer Aspire Lite i3-1215U प्रोसेसर देखने मिल रहा है। काफी अच्छा प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड फीचर करता है। अंडर 35,000 आप अगर इसे खरीदते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। गाइस ये लैपटॉप पूरी तरीके से मेटल बिल्ड में आता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। 8GB की DDR4 RAM देखने मिलती है, एक्सपांड कर सकते हो 32GB तक। 512GB की SSD है, ये भी एक्सपांडेबल है। यहाँ पर जो SSD दी गई है वो Gen 3 SSD है, और फ्यूचर में आप अगर अपग्रेड करना चाहो तो Gen 4 में अपग्रेड कर सकते हो। 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर पैनल दिया गया है, Intel UHD ग्राफिक्स, 36 वाट आवर की बैटरी पैक की गई है। अब इसका जो रियल लाइफ बैटरी बैकअप है वो 3-4 घंटे लास्ट करता है। कंपनी क्लेम थोड़ा ज्यादा है बट गाइस रियल लाइफ 4 घंटे तक लास्ट करता है, यानी डिसेंट बैटरी बैकअप है। सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है इस लैपटॉप में, एक ही दिक्कत है इसमें आपको MS Office नहीं देखने मिलता। उसके अलावा ये लैपटॉप परफेक्ट है, मेटल बिल्ड में आता है, प्रोसेसर इंटेल का अच्छा खासा देखने मिल रहा है। बट जिन्हें भी MS Office की जरूरत पड़ती है उनके लिए अगला लैपटॉप बता रहा हूँ, इसकी ओर आप जा सकते हो, वो इस लैपटॉप को स्किप कर सकते हैं। गाइस जो अगला लैपटॉप है ये भी इंटरेस्टिंग है, Lenovo की ओर से आता है ये Lenovo IdeaPad Slim 3। इसमें आपको Ryzen 3 7320U प्रोसेसर देखने मिलता है, अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 15.6 इंचेस का TN पैनल देखने मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, एंटी ग्लेयर पैनल है ये भी। 8GB की LPDDR5 RAM दी गई है, एक्सपांडेबल है। 512GB की SSD एक्सपांडेबल है। AMD Radeon के ग्राफिक्स देखने मिलता है, और गाइस MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ आता है। अच्छा लैपटॉप है, खरीद सकते हो। जो भी गाइस वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए डेफिनेटली वेल सूटेड है, MS Office की जिनको जरूरत पड़ती है उनके लिए अच्छा लैपटॉप है। अब जब भी आप Lenovo का लैपटॉप खरीदोगे तो इसमें एक प्लस पॉइंट मिलता है, गाइस इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बाकी सारे ब्रांड से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। सो जिन्हें भी एक टेंशन फ्री लैपटॉप खरीदना है तो Lenovo की ओर जा सकते हो, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। बट गाइस जिन्हें भी एक पावरफुल लैपटॉप खरीदना है, यानी कि आपको हैवी सॉफ्टवेयर रन करना है, कभी कभी गेम भी खेलना है, तो उनको अच्छे प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। सो प्रोसेसर आपको काफ़ी अच्छा चाहिए तो अगला लैपटॉप आप खरीद सकते हो, इसका नाम है Acer Extensa 2023 मॉडल है ये। प्रोसेसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अंडर 35,000 मिलना काफ़ी मुश्किल है बाकी ब्रांड्स में। Ryzen 5 7520U प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट है इस प्रोसेसर की एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेसर जो लिस्ट में हमने बताया। और इसमें आप बेसिक गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, जो चाहे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। सो जिन्हें भी हैवी ड्यूटी प्रोसेसर चाहिए वो इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। 8GB की रैम देखने मिलती है, वो भी DDR5 रैम है। 512GB की SSD है, ये भी एक्सपांड कर सकते हो। और गाइस 15.6 इंचेस का कॉम्फ्यू डिस्प्ले देखने मिलता है इस लैपटॉप में। बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का काफ़ी अच्छा है, 7-8 घंटे रियल लाइफ में देखने मिलता है, कंपनी क्लेम 10 आवर्स है। 1.7 kg वे करता है। इस लैपटॉप में गाइस बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, एक चीज़ ये है MS Office नहीं देखने मिलता, उसके अलावा ये लैपटॉप परफेक्ट है। अब जिसे भी HP का लैपटॉप ही खरीदना है तो HP 15S खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। Ryzen 3 7520U प्रोसेसर है इसमें, 8GB की DDR5 रैम है, वो भी 5500 MHz की, काफ़ी अच्छी रैम दी गई है। बट गाइस ये एक्सपांडेबल नहीं है, सोल्डर्ड रैम के साथ आता है ये लैपटॉप। 512GB की Gen 3 SSD है, इसे एक्सपांड कर सकते हो फ्यूचर में। 15.6 इंचेस का TN पैनल यहाँ पर देखने मिलता है, 215 निट्स की ब्राइटनेस है, AMD Radeon के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, बैटरी बैकअप ये डिसेंट डिलीवर करता है, और MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। अच्छा लैपटॉप है, सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है। जो भी स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जिन्हें HP का लैपटॉप ही खरीदना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अंडर 35,000 सेगमेंट। अब और भी बहुत सारे लैपटॉप्स अवेलेबल है 35,000 में, बट गाइस एक ही वीडियो में मैं अगर बहुत सारे लैपटॉप कवर करता हूँ तो डेफिनेटली आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जितने सारे लैपटॉप मैंने कवर किए उनमें से कोई भी खरीद सकते हो, सारी बेस्ट है। या फिर गाइस आप अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है ही, वहाँ पर अगर आप कमेंट करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा आपको लैपटॉप बाय करने में।